सिकंदर, आज कौन सी तमाम बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रहेगी, और खासतौर पर अगर सीएम भूपेश बघेल की बात करें तो क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है? देखिए, आपको बता दूं कि राजस्व विभाग के लंबित जो वो सब कार्यों को लेकर के सीएम भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा बैठक करेंगे, और इस बैठक को सही मायने में देखा जाए जो राजस्व विभाग के जो लंबित प्रकरण है, अगर बात करो सीमांकन की या अंकन की या फिर डायवर्सन की, ऐसे जैसे कई लंबित प्रकरण होते हैं, तो उनको लेकर के आज दोपहर 1 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पर यहाँ पर बैठक होगी। राजस्व विभाग के अधिकारी जो है वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बैठक हो रही है, काफी लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री राजस्व विभाग की बैठक ले रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो आज महिला कांग्रेस का जो आज बैठक होगी, इस बैठक में महिला कांग्रेस के जितने भी जिला अध्यक्ष है या अध्यक्ष या कार्यकर्ता है वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। फूलो देवी नेदाम जो है प्रदेश अध्यक्ष और सांसद, वो यहाँ पर बैठक लेती हुई नजर आएगी। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात ये जोड़ा गया है कि मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से चूक कांग्रेस यहाँ पर नहीं करना चाहती है, तो उसको लेकर के आज राजीव भवन में दोपहर 1 बजे महिला कांग्रेस जो है यहाँ पर बैठक करती हुई नजर आएगी, और जितने भी जिला अध्यक्ष हैं इस बैठक में शामिल होंगे। दूसरी बात आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ से जो 23 ट्रेनें जो चलती है वो सभी ट्रेनें जो है बंद होने को लेकर के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जो है आज DRM ऑफिस का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन के बाद एक पत्र सौंपेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ को जो ट्रेनें हैं वो पुनः चालू करने के लिए। ठीक है सिकंदर, कुल मिलाकर कई ऐसी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है।